मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के द्रंग क्षेत्र के नारला में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से द्रंग में अटल आदर्श विद्यालय खोला जाएगा और द्रंग की नमक की खानों की खुदाई का मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 10.72 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बल्लव क्लस्टर विश्वविद्यालय भवन, 10.86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन तथा 14.82 करोड़ रुपए की लागत से CRF के तहत निर्मित होने वाले उहल नदी पर कमांड में निर्मित होने वाले 130 मीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश का समग्र एवं संतुलित विकास सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश सरकार आम आदमी के कल्याण को लक्ष्य रखकर कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है, जिससे लाखों लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स योजना, जिसका उन्होंने आज शिलान्यास किया है, से क्षेत्र के पानी की समस्या का समाधान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जटिंगरी, पराशर तथा बरोट क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी, ताकि पर्यटकों को इस घाटी के मनोरम वह अनछुए पर्यटक स्थलों को के भ्रमण का अवसर प्राप्त हो सके। एक ऐसा नेतृत्व जो हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे लिए वरदान के रूप में है। जब हिमाचल प्रदेश छोटे से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह था, हमने छोटा सा निवेदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान अपने हिमाचल के इतिहास में पहली बार जो है मुख्यमंत्री के शपथ में कोई प्रधानमंत्री दिल्ली से शिमला के रिश्ते प्रदान कर। एक साल का कार्यकाल बीता, हमने कहा कि एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आपने पिछले साल हमको आशीर्वाद दिया था, शुभकामनाएं दी थी, हम चाहते हैं कि फिर से आप हिमाचल प्रदेश में हमको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक साल के कार्यकाल पर फिर 27 दिसंबर को धर्मशाला के मैदान पर पहुंचे। जो आने वाले समय में हमारे देश को मजबूत करने के लिए जिस नेतृत्व को मजबूत करने की आवश्यकता है, वो नाम नरेंद्र भाई मोदी जी का है, और मोदी जी को मजबूत करने के लिए जरूरी है आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और यहाँ जो जवाहर जी ने 127 करोड़ रुपए के आज जो योजनाएं आज शुरू हुई हैं, तो उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इन्होंने बात कही है, एक इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आपके यहाँ पर पद्धर में सब जज कोर्ट की इसकी प्रपोजल हमने जो है हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को भेजी है, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा करने के लिए किसी जो करना होगा वो पूरा। लेकिन जो CSC बरोट है, उस बरोट की CSC का जो वहां पर स्थान मिलेगा और उसको जो है बड़े हॉस्पिटल के रूप में, चाहे वो CSC है, सिविल हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता होगी, उस तरह से सारी चीज का हम चयन करने के बाद जो है निर्णय करने की मैं घोषणा करता हूं कि ये सारा कर दिया जाएगा। जहां आपको उचित लगता है कि आपके यहाँ पद्धर में जो है 5 सबस्टेशन जो है खोलने की मैं घोषणा करता हूँ, 5 सबस्टेशन खोलेंगे। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में 175 करोड़ रुपए के काम चले हुए हैं। 175 करोड़